नमस्कार, शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे लेमन से रिलेटेड एक रेसिपी। आज हम देखेंगे नींबू का अचार। एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने 10 नींबू लिए हुए हैं। अच्छे रस वाले नींबू हमको चॉइस करना है। और यहाँ पर है 1/4 कप मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर ली हुई है। जीरा पाउडर की रेसिपी जो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, अपलोड किया हुआ है मैंने जीरा पाउडर किस तरह से बनाना है। और ये इस कप से मैंने शक्कर ली हुई है 1/2 कप। और ये है 1/4 कप से मैंने नमक भी लिया हुआ है। जिस कप से हमने मिर्ची पाउडर ली हुई है उसी कप से हम नमक भी ले लेंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इस अचार को उपवास के दिन भी खा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कढ़ाई रख दी थी गैस के ऊपर, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। नींबू डूबे इतना पानी हम इसमें डाल देंगे और पानी को एक उबाल आने देंगे। और आप देख सकते हो इधर पानी में उबाल आ चुका है और हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब ये जो नींबू है इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से रहने देंगे और हम इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं। गैस बंद है, हम इसको ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक हमने इसको ढक के रखा था। 20 मिनट हो चुके हैं और हम प्लेट को निकाल लेते हैं। और इन नींबुओं को मैं एक एक करके निकाल लूँगी। एक कॉटन के कपड़े पे हम इसको लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से पोंछ लेंगे। और इन नींबुओं को हम बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे। मॉइस्चर मतलब पानी जो है इसको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम इसको पोंछ लेंगे और हम इसको एक पॉट में रखे जाएंगे। सारे नींबुओं को हम अच्छे से पोंछ लेंगे। और ये जो नींबू है इनको हम कट कर लेंगे। और इसके जो बीज है वो भी निकाल लेंगे। इस तरह से हम 2 या 4 इसके पार्ट कर सकते हैं। और इनको हम एक पॉट में ले लेते हैं। और इसी तरह से मैं ये जो सारे नींबू है इनको कट कर लूँगी और इस पॉट में डाल दूँगी। हमने नींबू को पीसेस में कट कर लिया है और जो रस निकला है थोड़ा सा वो भी इसी में है। और जो बीज है वो हमने निकाल लिए हैं सारे। अब हम इसमें जो मिर्च पाउडर है वो हम डाल देते हैं। 1/4 कप हमने ली थी वो हमने इसमें डाल दी। और 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा पाउडर ली थी वो डाल देंगे। नमक हमने लिया था। सारे मसाले हमको इसमें ऐड करने हैं। और शक्कर जो है हमने 1/2 कप ली हुई थी। आप चाहो तो थोड़ा कम कर सकते हो आपके हिसाब से। मैंने 1/2 कप पूरी डाल दी है। और हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल अचार है ये। आप इसको उपवास में खा सकते हो क्योंकि इसमें दूसरे कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो उपवास में नहीं चलते हैं। जीरा है जो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जीरा पाउडर को। जो लोग जीरा नहीं खाते उपवास में, बस जीरा पाउडर को स्किप करके आप इस अचार का आनंद ले सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा अचार बनता है। देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको किसी कांच की बोतल में भर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सूखा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नींबू है तो, और शक्कर नमक हमने डाल दिया है तो इसमें काफ़ी सारा पानी छूटेगा बाद में, और ये जो नींबू है वो उसमें अच्छे से गल जाएगा। देखिए हमने इसको एक कांच की बोतल में भर दिया है और हम इसका जो ढक्कन है वो बंद करके रख देते हैं।
और इस अचार को आप 7 से 8 दिन तक अच्छे से हिलाइए चम्मच डाल के। ये देखिए 4 से 5 दिन में इतना सारा मतलब इसको पानी छूट जाता है और ये जो अचार है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैंने बर्बाद ये जो हमने जो उसके पीसेस किए हुए हैं लेमन के वो भी खाने लायक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो जो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।